हेलो। तो फ्रेंड देख सकते हैं सुबह का मेरा सारा काम खत्म हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ, नहा धो करके फ्रेश हूँ। और सम्राट देखिए अपना पढ़ाई कर रहे हैं और सत्यम इधर देखिए क्या कर रहे हैं, लाई खा रहे। अब तुम इधर आओ, दिखाई नहीं दे रहे हो अच्छे से। ये देखिए लाई खा रहे हैं। लाई ये कौन लेकर के आया था? ईया। हमारे यहाँ ना दादी को, अपनी दादी माँ को बच्चे ईया कहते हैं। मैं भी कहती थी अपनी दादी को ईया ही कहती थी, ईया और बाबा। ठीक है, तो आजकल के बच्चे दादी माँ दादाजी कहते हैं, हम लोग ईया बाबा कहते हैं शुरू से ही। और देख सकते हैं ठंड, मैं आप लोगों से बताई थी ना ठंड से मुझे बहुत ज़्यादा परहेज है। ठंड में मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। देखिए फेस पे मेरे सूजन आना शुरू हो गया मेरा भी है, तो मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा ये महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे ठंड, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और सम्राट के सर इनको अपना कल रूटीन इन लोगों के लिए लिख करके दिए हैं। इन लोगों की छुट्टी हो गई है, ठंड की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल में। डीएम का आदेश आया है स्कूल बंद करने के लिए बिहार में। तो सम्राट को इनके सर रूटीन लिख करके दिए हैं और सम्राट अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। दोनों भाई अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। सुबह सुबह एक से मुझे कुछ कहना है। रूटीन में से ये नहीं लिखा सम्राट कि कुछ बोलेंगे। रूटीन में तो ये नहीं लिखा कि इस टाइम पे भी तुमको लाइक खाना, तब भी ये लाइक खाना। अभी रूटीन में लिखा सत्यम मैथ बनाने का, बैड मैनर्स। मैथ अभी बनाने तुम का। अभी खाना खाए थे ना, देखिए सत्यम अभी मुझे अपना, नोटबुक नहीं मिल रहा है, मैं नोटबुक फिनिश हो गया। अच्छा सत्यम देखिए अभी अपना लंच फिनिश करके आ रहे हैं और अभी लाई खा रहे हैं। देख लीजिए ये लाई जब तक घर में रहेगा ना सत्यम का मुंह मानने वाला नहीं है। और भैया पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। तो चलिए मैं अभी, मुझे ना खाली टाइम है तो मैं कुछ करने के लिए सोची हूँ और कुछ ट्राई करने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए कुछ खस्ता टाइप का कुछ बनाने के लिए सोची हूँ, तो उसको जा रही हूँ बनाने के लिए। और वीडियो बनाऊंगी, अगर अच्छा वीडियो बन अगर अच्छा खस्ता बनेगा तो उसका वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों के शाम साथ, का नाश्ता। और अगर नहीं बनेगा तो फिर नहीं डालूंगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। क्या बनाने जा रही हूँ मैं आप लोगों से बता दूँ, हमारे यहाँ हमारी भाषा में, बिहार की भाषा में तो इसको खस्ता ही कहते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने मैदा लिया है, मतलब ये कम से कम 700 ग्राम मैदा है। और ये शुगर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसमें है रिफाइंड, आप घी भी ले सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास घी नहीं है। और इसको मतलब आटा का ये बनाने के लिए मैदा का मैंने दूध लिया है, दूध के साथ इसको मैं सानूंगी। तो आजकल के बच्चे इसको कुकीज कहते हैं और हम लोग इसको खस्ता कहते हैं। तो देखिए मैं आज ये बना रही हूँ। तो शुगर को मैंने सबसे पहले पीस लिया है और यहाँ दूध ले लिया है मैंने। दूध गर्म नहीं है, दूध पहले ही मैंने गर्म करके रख लिया था, हल्का गुनगुना है। और मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी रिफाइन ऑयल, पास में ले आओ। ये देख सकते हैं रिफाइन ऑयल मैं डालूंगी खस्ता होने के लिए। और सबसे पहले रिफाइन ऑयल को डाल करके मैं इसको मिलाऊंगी अच्छी तरह से। इसको हम लोग मिला लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे और तब तक मिलाएंगे जब तक ये इसको ऐसे करके और हम ये करें तो ये डो के आकार का हाथ में बन जाएगा। तब तक इसको मिलाएंगे और उतना तेल इसमें डालेंगे ताकि ये उस टाइप का बन जाए, जो उसको मुट्ठी बांधेंगे तो ये ऐसे बंध जाए। उतना इसमें ऑयल डालना होता है, आप घी भी डाल सकते हैं, जो भी कुछ हो आपको आपकी मर्जी। तो देख सकते हैं इसको मैंने मिला लिया है अच्छी तरह से। और देखो ले आओ इधर आओ, कैमरा मैन इधर आओ। ये देखिए कैसे बन जा रहा है ऐसे मुट्ठी बांधने पे। देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप का हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें हमने ये मोइन जो दिया है वो अच्छा दिया है, इतना हो जाना चाहिए। और अब हम लोग इसमें मिलाएंगे शुगर। Thank you.
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा आटे का डो तैयार हो गया है और अब इसको हम लोग आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और आधे घंटे के बाद फिर इसको हम लोग हाथों में तेल लगा करके और इसको फिर एक बार मसल लेंगे बनाने से पहले। तो देख सकते हैं इसको मैं अच्छी तरह से एक बार फिर से हाथ में तेल लगा करके मसल ले रही हूँ। और ये हमारा जो आटे का डो है वो अब तैयार हो गया है बनने के लिए। और इधर हमारा देख सकते हैं गैस पे तेल गरम हो रहा है और अब हम आटे को तैयार कर लिए हैं। और इसकी देखिए मैं बड़ी बड़ी सी लोई काट लूँगी और मैं इसको ग्लास से काट करके बनाऊँगी, छोटे से ग्लास का जिसका शेप छोटा हो उससे काट करके बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसको छोटा छोटा बिस्किट के जैसा बनाना चाहती हूँ इसलिए। और आप चाहें तो आप इसको सांचे पर भी बना सकते हैं, सांचा भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसको छोटा छोटा बच्चों को मतलब खुश करने के लिए कि आपके लिए कुकीज़ बनाई हूँ तो छोटा छोटा शेप दूंगी गिलास से काट करके। और पहली बार मैंने छोटा सा ही बेला था, तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग काट लेंगे। और न पतला न मोटा, मीडियम साइज़ का इसको हम बेलेंगे। फ्रेंड्स आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और कैमरा मुझे था। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा खस्ता बना है, बच्चों ने टेस्ट भी कर लिया। और ये सत्यम बोल रहे थे कि मम्मी आप कुकीज़ बनाइए, ये पता है आप लोगों को ये सांचे पर भी बन सकता है, लेकिन मैंने इसको गिलास से काट करके बनाया है इसको बिस्किट का शेप देने के लिए। ये देख सकते हैं अरे बाप रे गरम ठंडा वाला देखती हूँ, ये बिस्किट का शेप देने के लिए मैं इसको काट करके बनाई हूँ ताकि ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं हो। तो सत्यम बोल रहे थे कि मम्मी कुकीज़ बनाइए, तो ये हमारा देसी कुकीज है खस्ता, और बहुत ज़्यादा खस्ता हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। ये देखिए आप लोगों को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए ओ माँ गिर गया, तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हुआ है, बहुत आसानी से टूट जा रहा है, मेरे हाथ से छूट गया क्योंकि मैं कैमरा पकड़ी थी एक हाथ से ही तोड़ के दिखा रही थी आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और इस तरीके से आप लोग भी बना करके देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैं आप लोगों को जो बताई थी इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा और बना करके कमेंट करके बताइएगा कैसा बना था। और मुझे लगता है कि बहुत लोग तो जानते ही हैं बनाना, लेकिन मैं ये अपना जो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैं अपना शेयर करती हूँ, जिसको आता है इससे बेहतर वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कमी की है, और जिसे नहीं आता है वो मुझसे सीख सकते हैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और अभी बहुत सारा बनाने के लिए बाकी है, तो मैं सोची कि ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ और क्योंकि एक नया ब्लॉग शुरू करना है और भी आज कुछ मैं बनाने वाली हूँ तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस एक वीडियो में एक ही रेसिपी डाल सकती हूँ, तो चलिए। और चैनल को मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ठंड में आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें।